नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, इस सीरीज के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। तो मार्केट्स में जिस तरह का एक मूव की उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुत बड़ी रेंज तो नहीं होगी बाजार के अंदर, तो बाजार भी उसी रेंज में ही करीब करीब 25 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, 8675 के स्तरों पर बना हुआ है। इनफैक्ट जो ओपनिंग मार्केट्स को देखने को मिली उससे तो बेहतर ही फिलहाल बाजार कामकाज कर रहा, लेकिन हाँ बहुत बड़ा मूव मार्केट्स के अंदर नहीं आया है। कई सेलेक्टिव शेयर्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं जहाँ पर कुछ बाइंग देखी जा रही है, उसमें रेलवे काफ़ी तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ एक मूव है। फार्मा में एक सेलेक्टिव फार्मा स्पेस जो है वहाँ पे बाइंग है, चाहे फ्रंटलाइन हो फिर मिड कैप हो, जहाँ पर खरीदारी देखी जा रही है। नेटको, जुबिलेंट, टोरेंट, जेबी केमिकल, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे शेयर है जहाँ पर कुछ खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी शेयरों में भी सेलेक्टिव आईटी शेयरों में खरीदारी है, रैमको, इंफाइनाइटिक सॉल्यूशंस, ई क्लर्क्स जैसी कुछ कंपनियों में कुछ बाइंग है, और अदर जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं वहाँ पर भी बहुत ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छे वैल्यू पर हैं, जिनमें कुछ यहाँ पर वैल्यू बैंक देखने को मिल रही है। एफएमसीजी स्पेस आपके सामने है, आईटीसी, गॉडफ्रे, फिलिप्स, टाटा ग्लोबल, एवरेडी, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी काफ़ी तक पार्टिसिपेशन आ रहा है। और ऑयल एंड गैस में लगातार रादर बाइंग है क्योंकि अच्छी वैल्यू यहाँ पर भी जनरेट होते दिखाई पड़ रही है। तो रिलायंस ONGC, IOC, कैस्ट्रॉल जैसे कुछ एक शेयर हैं जहाँ पर भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश शर्मा और साथी राजेश सतपुते हैं, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कोई भी राय जानना चाहते हैं शेयर्स के बारे में, तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए अपनी क्वेरीज भेजिए, शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-1803545, साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 01204258237। आप हमें WhatsApp के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, WhatsApp का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840200000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, जलंधर से राकेश ने हमें कॉल किया, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास अशोक लेलैंड के शेयर हैं 500। किस भाव पर आपने लिया है? 95 के भाव पर आपने लिए हैं, ऑल राइट। और आपका नजरिया क्या है? फिलहाल तो आपको थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है यहाँ। सिक्स मंथ्स के पर्सपेक्टिव से आपने यहाँ पर खरीदारी की है, ठीक है, आपको सलाह दिलवा देते हैं। मिस्टर सतपुते, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, 6 महीने के पर्सपेक्टिव से इन्होंने अशोक लेलैंड में निवेश किया है, 95 का इनका परचेजिंग प्राइस है, कुछ नुकसान जरूर हो रहा है और प्लेजिंग की भी आज खबरें आई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 6 महीने के पर्सपेक्टिव से इनको क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अशोक लेलैंड में हमने देखा रिजल्ट के बाद उसमें एक सेलिंग आई, बट लेकिन सेलिंग एब्सॉर्ब हो रही है। जो टेक्निकल सपोर्ट है वो रफली 85-86 के आसपास दिखता है, सामने जो बैरियर है, जो रेजिस्टेंस है और सप्लाई पॉइंट हम कहते हैं, दैट इज समवेयर नियर 95-96। लेकिन एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, मुझे लगता है कि ये 85 का सपोर्ट होल्ड करेगा और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 110-108 तक। तो जो इनिशियल बैरियर रहेगा 95-96 पे, एज ए ट्रेडर आप उसे वॉच करिए, अगर वहाँ पे अटकेगा तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा अटक रहा है तो फिर एक बार के लिए वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मे बी यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। एट करंट लेवल आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 84 का रहेगा, 95 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 95 का ब्रेकआउट मिलेगा तो आप 108-110 की उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो आपको राय दी गई अशोक लेलैंड को लेकर, 95 का लेवल टूटने के बाद 100 रुपए के ऊपर के चाल देखने को मिल सकती है। उमंग सिंगल रुड़की से मौजूद है हमारे साथ। सिंगल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंगल साहब। सर गलती है, 1000 शेयर एट 167 एवरेज प्राइस। ओके, और टाइम फ्रेम क्या आपका? शॉर्ट टर्म है सर, छोटी अवधि का। चलिए राजेश, रादर मिस्टर शर्मा, जो सवाल है वो है गति को लेकर, 1000 शेयर हैं और खरीदारी कर रखी है 174 रुपए के भाव पर, आप क्या राय रखते हैं उसको लेकर? 152-153 का मौजूदा स्तर है, 14% ऊपर है, छोटी अवधि नजरिया क्या करें? देखिए सुमित, गति जो है अभी जो प्रेजेंट रैलीज में बनी है जनवरी से, वो 95 लेवल से बनी है और आई थिंक एक बार स्टॉक टॉप आउट कर गया है। जो ट्रिगर इसको प्ले कर रहा था वो GST का रोल आउट था, तो आई थिंक GST रोल आउट के साथ इसमें जो ट्रिगर है वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन क्योंकि स्टॉक अभी भी साइडवेज है और मार्केट में तेज़ी दिखती है, तो मुझे लगता है बेटर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो है ये स्टॉक से, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मेजर, तो सेल करना ही बेहतर रहेगा क्योंकि चार्ट्स मोर और लेस बेरिश होते जा रहे हैं और GST ट्रिगर रहा नहीं है। और आई थिंक जो अभी प्रेजेंट इंडिकेटर चार्ट्स बता रहे हैं वो आई थिंक 125 से 130 की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्टॉक वहां तक आ सकता है। अगर ये स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक अभी प्रेजेंट लेवल पे सेल करें और वापस 125-130 के लेवल पे एंटर कर लें दोबारा।
ऑलराइट, फिलहाल एग्जिट किट सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। अगले सवाल के लिए पुणे चलते हैं। पुणे से सपना ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सपना जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, मेरे पास 200 शेयर्स इंडियन होटल्स के हैं एट द रेट ऑफ 134। ओके, और आपका नजरिया क्या है सपना? I can hold for 6 months and secondly please I have Z Entertainment Limited at the rate of 444. Please tell me the time or the price at what I should exit. What happens? मैं बेच देती हूँ और उसके बाद फिर और बढ़ जाता है, so I regret my decision. Absolutely. चलिए ठीक है, आपको दोनों शेयर्स पर राय दिलवा देते हैं। मिस्टर सतपुते, इनका पहला सवाल इंडियन होटल्स पर है। 134 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। 200 शेयर्स हैं इनके पास इंडियन होटल्स पर। थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर जरूर हो रहा है, लेकिन 6 महीने के परस्पेक्टिव से इनको क्या करना चाहिए? जी एंटरटेनमेंट ने काफी अच्छी चाल दिखाई है पिछले कई 3 महीने में अगर देखा जाए। यहाँ से लेकर और कितना अपमूव आप यहाँ पर देखते हैं जी एंटरटेनमेंट में? देखिए, मुझे लगता है इंडियन होटल्स में आपने जो एंटर किया है वो रॉन्ग लेवल पे किया है। एज़ फार एज़ द वीकली चार्ट इज़ कंसर्न, हमने देखा 135 के आसपास और 135 एंड 140 के आसपास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो मुझे लगता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री रॉन्ग है, तो अगर आपको यहाँ पे टेक्निकल पुलबैक मिलेगा तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका रहेगा वो रफली रहेगा 127 का। रही बात जी एंटरटेनमेंट, देखिए जी एंटरटेनमेंट का जो प्राइमरी चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आप उसे ट्रेडिंग के नज़रिए से ना देखें। अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से देखने लगोगे तो फिर वही होगा जो आपके साथ होता है कि मैंने बेच दिया और फिर वहाँ से ज़्यादा फट गया। सो एक एक्स वाई जेड प्रॉफिट आप दिमाग में रख के काम करिए, लाइक ओके इफ आई गेट 20% रिटर्न आउट ऑफ दिस देन डेफिनेटली आई विल बुक माय प्रॉफिट। अगर करेक्शन में कभी मिलेगा मे बी आई विल ट्राई टू कवर इट। बट एट पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है जी बिजनेस का जो चार्ट है और जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, आप इसे होल्ड रखें। पर्टिकुलरली मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा क्योंकि 518 करंट मार्केट प्राइस है, मे बी आई कैन से 500 का आसपास स्टॉप लॉस है जो टेक्निकली दिखता है। लेकिन मुझे लगता है ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड आप उसे बने रखें और इंडियन होटल में से सेल ऑन राइज करें जहाँ पर आपका प्राइस मिलेगा और 34-35 पे वहाँ पर आप एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है इंडियन होटल को लेकर, और साथ साथ डिस्क्लेमर भी है कि जो जी एंटरटेनमेंट पे आपको भी राय दी गई है वैसल समूह की ही कंपनी, इसके माध्यम से चैनल देखा जा रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश हैं जो कि उल्लासनगर से मौजूद हैं। राजेश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राजेश जी, क्या सवाल आपका? सर एक्चुअली पहले तो मैं जी बिजनेस का सर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसमें से काफ़ी नॉलेज मिला है और काफ़ी बेनिफिट मिला है सर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें देखने के लिए, आगे भी हम आपको ऐसे ही। सर मेरा क्वेश्चन जो था सर, एक्चुअली मैं 300 शेयर थे मेरे पास अपना IRB इंफ्रा का और जो उसका प्राइस है 229। जी आपका नजरिया क्या है इसमें राजेश जी? मीडियम टर्म का। चलिए मिस्टर शर्मा, सवाल इनका IRB इंफ्रा को लेकर है। 300 शेयर हैं, 229 रुपए के भाव पर खरीदारी है, 2 मुनाफा है 6 रुपए के आसपास का, और नजरिया भी मध्यम अवधि का है। क्या करना चाहिए? पार्शियल प्रॉफिट ले लें, टारगेट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, क्या करें? देखिए चार्ट जो हैं IRB इंफ्रा के अगर आप बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ने इनफैक्ट 1.5 साल में कुछ भी ऐसा खास नहीं किया कि उसको जो है बाय की रिकमेंडेशन की जाए, हालांकि बहुत मेजर बाय की लिस्ट में रहा है। मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टॉक जो है इट्स ट्राइंग टू ग्राइंड लोअर एंड लोअर ओनली, एंड लुक्स लाइक दिस इज ए लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दैट्स गेटिंग एविडेंट ऑन द डेली एज वेल एज द वीकली चार्ट्स। सो मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, स्टॉक से निकलना में ही बेहतरी है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहा है पिछले 7-8 महीने में, क्योंकि मैं फंडामेंटली स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक में बहुत नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहा है, उसके बावजूद स्टॉक जो है इट हैज़ रिफ्यूज टू मूव बियॉन्ड 235-250 विद वॉल्यूम्स। सो बेहतरी इसी में है कि इसमें एग्जिट किया जाए और सेल किया जाए इसी लेवल पर।